हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक शॉर्ट फिल्म के रिव्यू लेके आ गई हूँ जिसका नाम है ट्विस्ट, जो कि जी म्यूज़िक चैनल जो यूट्यूब का उसका है। तो मैंने पहली बार जी म्यूज़िक चैनल का किसी शॉर्ट फिल्म को देखा एंड उसके व्यूज़ बहुत ही अच्छे थे। जैसे कि बहुत लोगों ने, मतलब मुझे तो नहीं पता था लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन जब देखा तो बहुत लोगों ने बोला था कि आमिर खान का है ये, उन्होंने इसे प्रमोट किया है, मतलब प्रोडक्शन प्रोड्यूस भी किया है। तो क्या इतनी अच्छी है, मतलब उतनी अच्छी है कि जितनी की, मतलब व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन से अबव है, तो क्या ओवर हाइप्ड है, क्या बिलो एक्सपेक्टेशन है, या ओके ओके टाइप का है? तो मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जानने के लिए, सारे सवालों के जवाब जानने के लिए। तो अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आ जाए तो, पूरा एंड तक देखने के बाद, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो जल्दी से शुरू करते हैं ट्विस्ट का रिव्यू। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। स्टोरी ये है कि एक लड़का जो कि स्कूल में पढ़ता है, टीनेजर है, और जबकि एक पॉपुलर लड़की उस लड़के के पास आती है, मतलब स्कूल की पॉपुलर लड़की, और उस लड़के का उस लड़की के ऊपर क्रश है, और वो बोलती है कि उसे ट्विस्ट का जो 60s का जो डांस है उसे डांस सिखाने के लिए, मतलब उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे तुम डांस सिखाना सिखाओगे कि 60s का जो ट्विस्ट का स्टाइल होता है। तो इस लड़के के मन में लड्डू फूटते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, क्या वो लड़का, मतलब उसे सिखा पाता है या नहीं सिखा पाता है, या इसके ये सपना दिख रहा है, या उसके अरमानों में पानी फिर गया, या क्या होता है, ये आपको पूरा शॉर्ट फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। तो अब बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले की। देखिए स्क्रीन प्ले, ये स्टोरी बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छी है, मतलब क्या कहा जा सकता है, स्वीट भी बोला जा सकता है एंड नाइस भी बोला जा सकता है। तो स्क्रीन प्ले मुझे अच्छी लगी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मतलब और कुछ ज़्यादा नहीं बोला जा सकता क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बोलने लग जाऊँ तो स्पॉयलर्स हो जाएगा। तो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं कास्टिंग की। तो कास्टिंग में ऋत्विक साहोरे ने श्लोक, जो कि लड़का जिसके टीनेज लड़का जो कि बहुत अच्छा डांस करता है, उसका रोल प्ले किया है। वो बहुत ही क्यूट दिखता है एंड उसकी एक्टिंग अच्छी है। गायत्री सलकर जो कि नादिया, जो कि फेमस पॉपुलर गर्ल है जो स्कूल की, उसका काम भी अच्छा ही है। एंड अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्ट इसे उत्तरा कृष्णदास ने किया है। तो डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा एंड इसमें इन्होंने जैसे डायरेक्शन किया है, इसमें मतलब स्टोरी में बहुत अच्छे से, मतलब एक क्यूट सी जो बोलते हैं ना, क्रश जो बोलते हैं, जैसे लव स्टोरी टाइप का दिखाया है, मतलब एक लड़के का वन साइडेड लव या क्रश जो बोलते हैं, वो स्टोरी भी दिखाया, और एक बहुत अच्छे से मैसेज भी देता है कि कैसे हम अपने बुज़ुर्गों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, कभी उनके एक्सपीरियंस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार इन्हें तो कुछ नहीं पता, ये तो आउटडेटेड है, ओल्ड है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, उनके पास ज़्यादा तजुर्बा होता है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं। तो बात अभी ख़त्म होगी रिव्यू, तो अब बात कर लेते हैं रेटिंग्स की। देखिए स्टोरी बहुत ही प्यारी स्वीट सी स्टोरी है, स्क्रीन प्ले अच्छी है, कास्टिंग भी अच्छी है, उनके काम अच्छे हैं, डायरेक्शन भी अच्छा लगा। तो मैं इसे 4 out of 5 देती हूँ। एंड कैसे लगी आपको ये रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, इस शॉर्ट फिल्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरे सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक्स भी उसी में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आ गया हो, तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू के साथ, शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज़ के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।